खरगोन युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज के बाहर स्टॉल लगाकर फुटकर सामग्री बेची। यहां किसी ने बूट पॉलिश की तो किसी ने फूल, केले तो किसी ने भुट्टे सेकने के बाद बिक्री की। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में भाजपा की सत्ता काबिज होने के बाद से दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, वही लोगों के पास रोजगार नहीं है, लंबे समय से शासकीय नियुक्तियां बंद है, लाखों पद खाली हैं, लाखों रुपए खर्च कर महंगी पढ़ाई पढ़ने वाले छात्रों को सरकार पकौड़े बेचने की सलाह देती है, ऐसे सरकार के खिलाफ युवाओं में आक्रोश है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे भारतवर्ष में 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसके संबंध में हम यहाँ भुट्टे बेचकर और फूलमाला बनाकर रोजगार की मांग कर रहे हैं सरकार से। क्या नाम है आपका? प्रशांत सावले। आज हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। जन्म दिवस पर आज जो है युवा कांग्रेस पूरे देश भर में बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। आज हम युवाओं के पास डिग्री आधा हो गई है, रोजगार नहीं है, रोजगार ही नहीं, संपत्तियाँ देश की बेची जा रही है और रोजगार मिल नहीं रहा है। आज देखेंगे कि जो है भुट्टे बेचना पड़ रहा है, जिनके पास डिग्री वकील की वकालत की सनत है, वो जो है भुट्टे पालिश कर रहा है, भुट्टे बेच रहे हैं, अपना केले बेच रहे हैं। ये रोजगार जो है इस प्रकार के जो है हम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।